بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين بالقاسم محمد अमाबाद काला सुबहाना व ताला बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व नजमे इज़ा हवा वमा यंतिको अनिल हवा इन होवा इल्ला वाहयुन योहा। एक मरतबा बुलंतर सलवात पढ़िएगा। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह अली अन वली अल्लाह। मोहम्मद वाले मोहम्मद सामिने ग्रामी कदर मोहम्मद वाले मोहम्मद आप सबका इस मुकद्दस और अफजल इबादत में चल कर आना कबूल मंजूर फरमाए। बिलखसूस जिनकी बरसी की इस आले सवाब की मजलिस है, माहर मोहम्मद अफजल साहब मालिक उन्हें अली बादशाह के कदमों में बुलंदी अता फरमाए, और जिन्होंने इस इबादत का अहतमाम किया हसनैन अफजल लियाकत अफजल और जो बिरादरान इनके शामिल हैं और जितने हजरात के यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं, इमाम ज़माना की रैयत होने की हैसियत से हम दुआगो हैं मालिक हमारे घरों को अली की विलायत के नूर से मुनव्वर फरमाए। और तमाम दुआओं की सबसे अफजल दुआ मिलकर आमीन कहिएगा कि मालिक हमारे रहबर हकीकी रहबर आहद रहबर आज़म रहबर अकबर इमाम ज़माना का जल्द ज़हूर फरमाए। सामने ग्रामी कदर सरनामा कलाम में मैंने आपके सामने कुरान मजीद फुरकान हमीद की एक आयत की तिलावत का शर्फ हासिल किया। मुझसे पहले पढ़ने वाले मुझसे बेहतर पढ़ने वाले पढ़ गए और मेरे बाद भी आपके सामने खूबसूरत पढ़ने वाले आले मोहम्मद के फजाइल और मोती आपकी झोली में निछावर करेंगे। लेकिन मैं अपनी गुफ्तगू शुरू करने से पहले आप तमाम हजरात से इतनी सी गुजारिश करूँगा कि जो भी अकीदतों के फूल और अली की विलायत के मोती आपकी झोली में निछावर करूं, बदले में मुझे सिर्फ इस बात का एहसास दिलाते रहिएगा कि मेरा खिताब अली के मानने वालों से है, सोचने वालों से नहीं। अली के मानने वाले और होते हैं, सोचने वाले और होते हैं। तो जो चाहता हूँ, सोचने वाले ज़्यादा ज़ोर लगाएं तो रज़ी अल्लाह बन जाते हैं, ज़्यादा मेहनत करें तो रज़ी अल्लाह हो जाएंगे और यही कहेंगे कि अल्लाह आपसे राज़ी हो। और मानने वाले इतने कमाल के होते हैं कि हुसैन एक नज़र देखे तो अल्लाह सलाम बना दे। सोचने वाले और हैं, मानने वाले और हैं, तो कोशिश करें मानने वालों की फहरिस्त में अपना नाम लिखवाएं, सोचने वालों की फहरिस्त में अपना नाम ना लिखवाएं। क्योंकि किसी नबी को भी इतना हुक्म नहीं था कि अली के बारे में सोचे। मैंने जुमला कहा किसी नबी को भी। हमारे हाकिम हमारी हुज्जत आखिरी नबी को बस यही हुक्म मिला है कि फकत अली की विलायत का ऐलान कर दे है। तो इसलिए हमारा काम अली बादशाह को मानना है, सोचना नहीं, बंदे की कोई औकात नहीं।
कोई वक्त भी मेरे पास जितने मिनट हैं मैं उससे एक मिनट पहले मेंबर छोड़ूंगा, लेकिन तवज्जो आपके सामने मुझे पूरी चाहिए। सही, बंदे की कोई औकात नहीं, यानी बंदे की इतनी हैसियत है मिर्ज़ा साहब, सर में दर्द हो जाए ना तो 10 रुपए की पैरासीटामोल का मोहताज हो जाता है। जो छोटी सी गोली का मोहताज हो वो मुश्किल कुशा के बारे में कैसे फतवा लगा सकता। उसकी क्या औकात है कि अली के बारे में फतवा लगाए। तू कुजा, अली कुजा, तेरे आने पर तुझे गुस्ल देकर पाक किया जाता है, अली आए तो कुरान सुनाता है। इसलिए मेरे नबी के बारे में एक अहले सुन्नत आलिम ने एक बड़ा प्यारा शेर कहा, शेर अगर अच्छा लगे तो दुआ दीजिएगा। उस तो शेर के जुमले बड़े प्यारे हैं, अहले सुन्नत आलिम, लेकिन शेर बड़ा कमाल लिखा। उसने कहा कि नबी थे, सही नबी थे अली को वली कहने वाले। रौला अली वली उल्लाह है ना, और अहले सुन्नत आलिम दे अशआर हैं, उन्हें आगे नबी थे अली को वली कहने वाले और वली बन गए सब या अली कहने वाले। वली बन गए सब क्या कहने वाले, या अली कहने वाले। ओ भाई, लोग अली का नाम लेकर वली बन जाते हैं और तू अली का नाम लेने के लिए फतवे तलाश करता है कि अली का नाम लूं या अली का नाम ना लूं। याद रखना, अली फतवों का मोहताज नहीं, अली बादशाह फतवों का मोहताज नहीं। आदम से लेकर ईसा तक और ईसा से लेकर कयामत तक, बाल सुना, आदम से ईसा, ईसा से कयामत तक, तुसा खुद इंगाल दी ताईद करे सो मेरे नाल हाँ छां मिले सो कि आदम से कयामत तक कोई ऐसा बशर नहीं जिसने ये दावा किया हो कि मैं सजदे करता हूं, मैं कयाम करता हूं और मेरे कयाम और कऊद और सजदों पर अल्लाह फखर करता है। सही, कोई माई का लाल ये नहीं कह सकता, ना आने वाले वक्तों में कोई कहेगा, ना आदम से लेकर ईसा तक किसी नबी ने दावा किया। कभी किसी नबी ने आखे कहीं नबी तो सुने होवे कि मैं सजदे करें ना और मेरे सजदियां ते अल्लाह फखर करें दे। खुदा की कसम, अली वाले हम जाएं तो जाएं कहां, हमें मुर्शिद ही ऐसा मिला है। याद रखना, अकेला अली है, याद रखी, जिसके सजदों पर अल्लाह फखर करे उसे अली कहते हैं। हैदरी, थोड़ा जा मेरे नबेदार थी के सुने, मेरे तो बाद मुल्क दे नाम वर्जा के तशरीफ फरमाएं, बड़ा खूबसूरत पर्सन। तो मैं बस मिंबर इन्हें हवाले करे सा, इन्हें को दुआ भी गिन सा सारे गुनों जवार भाई। क्या कहा, कोयनात में सिवाय अली के कोई नहीं, फकत अली है जिसके सजदों पर अल्लाह फखर करता है। यार, जिसके सजदों पर अल्लाह फखर करे उसके नाम से तेरे सजदे कैसे खराब हो सकते हैं। है? जिसके सजदों पर अल्लाह फखर करे है उसके नाम से तेरे सजदे कैसे खराब हो सकते हैं। इसलिए बेदार होकर जुमला सुनिएगा, अबुल फजल बारगाह के अंदर बैठकर मैं एक जुमला आपकी झोली में डालना चाहता हूं। याद रखना, सही याद रखना, इबादत करने के लिए लिबास का पाक होना जरूरी होता है। वाल सुनी, इबादत करने के लिए लिबास का पाक होना जरूरी होता है और मुर्शिद अली की विलायत का इकरार करने के लिए नस्ल का पाक होना जरूरी होता है। हैदरी, नस्ल का पाक होना जरूरी होता है क्योंकि अली को अली अल्लाह ने बनाया है, मुल्ला ने नहीं बनाया। दुनिया के साथ मसला यह हुआ कि उसने अपने पीर लिए हैं अपने जैसों से,
कोई मुश्किल गल कोई नहीं, उसने अपने पीर लिए हैं अपने जैसों से हैं। अब उसको वही पीर अच्छे लगे जो उनकी तरह खाता था, उनकी तरह बैठता था, उनकी तरह उठता था, उनकी तरह सोचता था, उनकी तरह पीता था। खुदा की कसम हमने पीर भी उससे लिए जो उस जैसे थे, हमने पीर भी उससे लिए जो किस जैसे, जो उस जैसे थे। यानी हमने अली लिया मोहम्मद से, हमने अली लिया मोहम्मद से जो मोहम्मद जैसा था, जैसा मुस्तफा जैसा था। और इसीलिए खुदा ने कुरान में कहा, मैंने आपके सामने आयत पढ़ी है, बड़ी मशहूर मारूफ आयत पढ़ी है। लोगों ने तो कुरान को अब कहना नहीं चाहिए जुमला, मजाक बना लिया है आयतों का। कोई भी बंदा खड़ा हो जाए, तर्जमा कुछ है, मफहूम कुछ है, बंदे की शान के लिए कुरान की आयत सुना देते हैं। इलेक्शन हो, कोई बंदा सदर बने, कोई वजीर आजम बने, कोई इलेक्शन जीते, पता भी है ये चोरी करके जीता है, फिर भी मौलवी बुलाते हैं और मौलवी सामने खड़े होकर एक आयत पढ़ देता है, वह तो इज्जो मन तो शाह हो, वह तो जिल्लो मन तो शाह हो। है इज्जत भी अल्लाह देता है, जिल्लत भी अल्लाह देता है। और भाई तो पहले ये समझो इज्जत कहते किसे है। यार थोड़ा सा बेदार थी के सुने सही, जो भी आया आपने टीवी, कोई भी हो, एक्स वाई जेड, कोई भी आए, पता भी हो चोर आया हुआ है, लेकिन आप कुरान की आयत पढ़ते हैं। मेरे मौला से पूछा गया, मौला इज्जत किसे कहते हैं? गल है मेरे मौला का जुमला है, चंगी लगे ते मौला को खुदा दी कसम दुआ भी घिना है ते मौला को मदद ही मंगा है। मौला से पूछा, मौला इज्जत किसे कहते हैं? का दुनिया वालों याद रखना, नहनो इज्जतुल्लाह, हम चौदह ही अल्लाह की इज्जत है। सही, हम चौदह अल्लाह की इज्जतें हैं। यानी खुदा कुरान में कहना चाहता है जिसके पास चौदह की मोहब्बत है, हैं, वो इज्जत वाला है, जिसके पास मोहब्बत नहीं वो जिल्लत वाला है, वो जिल्लत वाला है। इसलिए खुदा ने इसी कुरान में जिसको हम पढ़ते हैं, कुरान तिलावतों के लिए नाजल नहीं हुआ, हिदायतों के लिए नाजिल हुआ। और हिदायत वही करता है जो इसका मालिक होता है। कुरान हिदायत उसे करेगा जो मालिक होगा, ऐसे नहीं। अब अगर तुमने कुरान लेना है तो उससे लो जो कम से कम नाती के कुरान हो, जो कम से कम नाती के कुरान हो। कुरान की आयतों को वही समझाएगा जो खुद आयतुल्लाह हो, है? और चौदह कुरान की सबसे बड़ी निशानी अल्लाह की वो है आयतुल्लाह। हम शिया फकर इसलिए करते, हमने कुरान लिया उनसे जो नातिक के कुरान थे। और खुदा की कसम अगर ये नातिक ना होते तो हुसैन का सर नेजे पर कलाम ना करता। आखिर खत्म करने लगा गुफ्तगू, लेकिन थोड़ी सी तवज्जो कीजिएगा आयत का तर्जमा। इसलिए खुदा ने कुरान में अपने महबूब के लिए एक जुमला कहा, वो जुमला सुनिए और दुआ चाहूंगा। यानी खुदा कुरान में अपने महबूब के बारे में कहता है, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयुन युहा। अल्लाह कुरान में कहता है, ए मेरे महबूब, ए मेरे मोहम्मद, ए मेरे सैयद, जिसका आशिक अल्लाह होना उसे मुस्तफा कहते हैं। तवज्जो चाहता हूं, थके बैठे तो मेरा ख्याल है। ए तर्जमा सुने ते मैं इंशाल्लाह दुआ तारे को मेरे क्या कहा। अल्लाह कुरान में कहते हैं, वमा यंती कुम, अल्लाह कहता है मेरे मोहम्मद याद रखना आप कभी भी खुद से नहीं बोलते। क्या कहा? मोहम्मद कभी भी खुद से नहीं बोलते, ना बोले थे, ना बोले हैं, ना बोलेंगे। ए मेरे जुमले नहीं सही, ए बेदार्थी के सुने हूं आखिरी जुमले, लेकिन बेदार्थी के। अल्लाह कुरान चादा खड़े, मोहम्मद खुद से नहीं नुतक करता, कभी भी मोहम्मद खुद से नहीं बोला। मैं आप सब की तरफ से अल्लाह से पूछता हूं, मालिक अगर मोहम्मद खुद से नहीं बोलते तो कौन बोलेगा? का याद रखना
मुस्तफा जब भी बोलेंगे जबान मुस्तफा की होगी, कलाम अल्लाह का होगा। जबान मुस्तफा की होगी, कलाम कलाम अल्लाह का होगा। तो मालूम हुआ मोहम्मद में मोहम्मद नहीं बोलता। यार इंज ना करो यार, जेड़े पिछू बैठे हो हैं, तो मोहम्मद में मोहम्मद नहीं बोलता। मोहम्मद में जब भी बोला, यार मैं तो नहीं आकर रालते आखो, मोहम्मद में जब भी बोला अल्लाह बोला ना, यार कुरान दिया था वमा यंती कौनी लवाइनो वाला। मोहम्मद में जब भी बोला, फिर सुने, जिस वक्त बोला, जहां जहां बोला, मोहम्मद नहीं बोला, अल्लाह बोला। इतना पता चल गया मिर्जा साहब के मोहम्मद की जबान में मोहम्मद नहीं बोलता। मोहम्मद की जबान में कौन बोलता है? रालती आखो, कौन बोलता है? अल्लाह। होने गाल चंगी लगी तो बोली जरूर, क्योंकि मुस्तफा की जबान पर बोलता है अल्लाह। इसलिए खदीर के मकाम पर 1.25 लाख हाजियों के मजमे में मोहम्मद ने जब अली की विलायत का ऐलान किया और ऐलान करते हुए कहा मन कुंत मौला फाजा अली मौला, ये मोहम्मद नहीं कह रहा था, अल्लाह कह रहा था। दोनों बाजू बुलंद करके नारे हैदरी।